का पैसेंजर स्टेशन चल रहा है, पदादिक और ब्रह्मपुत्र मेल, और एक और गुवाहाटी LTT और चलने वाली है अभी एक अगले मतलब 8-10 दिन में, उसका भी स्पेशल ट्रेन में आया है। तो बाकी ट्रेनें तो चल रही नहीं, तो जितने भी जो पैसेंजर्स हैं और जस्ट उसके लिए कोविड की जांच के लिए पहले मैनुअल गन वगैरह से करते थे और उनका वो देखना है टिकट वगैरह, तो बिल्कुल टचलेस प्रॉपर जो एयरपोर्ट वाला सिस्टम रहता है, एयरपोर्ट पे है, हावड़ा में भी लग गया है, तो वो यहाँ मालदा में अभी चालू किया है। तो इससे क्या है कि आदमी जो दूर से ही आएगा उसका टेम्परेचर सेंस हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, किसी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, फीवर वगैरह है, तो उसका इसमें साउंड आएगा, तो उससे मतलब उनको रोका जा सकता है। तो उससे बिना किसी टच के इजीली जो हमारे जो लोग एम्प्लॉयज़ RPF स्टाफ या टिकट चेकिंग स्टाफ जो लगे हुए हैं, तो वो भी पूरा सेफ डिस्टेंस में रहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों को भी पता है कि मतलब बंगाल और सभी जगह इसका राइज हो रहा है, तो सारे जितने भी जो प्रोटेक्शंस के हैं, मतलब जो हमें अपने बचाव के जो है, वो हम लोग सब एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो उसी के चलते ये लगभग ये सिस्टम लगाया हुआ है। जनरली वैसे उसी में हो जाता है, परंतु ये पूरा टोटली सेफ है, इसमें किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं, और इसमें इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जिसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा उसको क्या करें? उसका उसको रोक देंगे ना, उसको RPF इसीलिए है कि बेसिकली ये डाउट किया जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें सिम्टम फीवर वगैरह होगा, तो उसको करके और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो दे देंगे, उसमें जाके अपना जाँच वगैरह कराएगा। हालांकि लोग अपना लेकिन मतलब सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं, और तो भी कभी कोई आ जाए तो उससे क्या होगा कि बाकी लोगों का बचाव होगा। मतलब इसमें कोई मेडिसिन अभी तो आप लोग सब मीडिया से हैं सारा, अभी तक कोई ऐसा सेफ तो आया नहीं है, सब ट्रायल चल रहा है। तो अपना प्रोटेक्शन, माउथ और ये डिस्टेंसिंग, यही सारे मेथड हैं कि जिससे बचाव जा किया सकता है।